हेलो एवरीवन, मैं हरेंद्र चौधरी आप सभी का एसएमएम इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स ऑब्वियू सारणी। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑब्वियू क्या होता है। ऑब्वियू सारणी क्या होता है? कोई अवयव जब पंक्ति और स्तंभ के रूप में लिखे जाते हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो ये हमारे अवयव हो गए। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इसमें क्या होता है, ये रो होती है। रो क्या होता है? कॉलम, पंक्ति। क्या होता है? पंक्ति। और ये इस तरीके से ये होता है कॉलम। कॉलम यानी कि स्तंभ। इसमें क्या होता है, हम अब बोलते हैं पंक्ति और कॉलम क्या है। तो इसमें कितनी पंक्तियां हैं? एक पंक्ति, दो पंक्ति और तीन पंक्ति। और स्तंभ कितने हैं? स्तंभ एक, दो, तीन। जो तीन पंक्ति है और तीन स्तंभ हैं, तो इसको लिखेंगे एम बाई एन आधार होता है। एम का मतलब होता है पंक्ति, पंक्ति बाई स्तंभ। यानी कि ये होगा हमारा 3/3। क्या बोलेंगे इसको? 3/3 लिखेंगे। तो एम इंटू एन बोलते हैं 3/3, यानी एम बाई एन पढ़ते हैं इसको। क्या पढ़ते हैं? एम बाई एन, 3/3। इसमें कोई बोले कितने टोटल अवयव हैं, तो हमारे इन दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। टोटल अवयव कितने होंगे? 9। कितने होंगे? 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अवयव। कितने टोटल अवयव होंगे? 9। आप समझते हैं अवयव को पंक्ति और स्तंभ के रूप में सजाने क्या बोलते हैं? ऑब्वियू या सारणी। अब अंतर क्या होता है इसमें, अब अंतर समझना। यानी कि किसी भी संख्या को, किसी भी अवयव को हम जब पंक्ति और स्तंभ के रूप में लिखते हैं, उसको बोलते हैं हम ऑब्वियू या सारणी। ठीक है, अंतर क्या होता है ऑब्वियू सारणी में वो समझ लो। हम लोग कंफ्यूज रहते हैं थोड़ा सा, अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। सारणी और ऑब्वियू में, सारणी में तुम्हारी पंक्तियों और स्तंभों की संख्या अलग अलग होती है। क्या होती है? अलग अलग हो सकती है और समान हो सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि दोनों समान हो, यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभ की संख्या, ये तुम्हारी सारणी की, ये ऑब्वियू की बात है। ऑब्वियू में जरूरी नहीं है कि समान हो, लेकिन सारणी में हमेशा समान रहेंगे। सारणी में पंक्तियों और स्तंभ की संख्या हमेशा समान होगी, तो इसको बोलते हैं एन वाई एन। क्या बोलते हैं? एन वाई एन। इसमें एम बाई एन यानी एम पंक्तियां होंगी और एन स्तंभ होंगे। इसको पढ़ा जाता है एम बाई एन, इसको बोलते हैं एन वाई एन। एम बाई एन ऑर्डर का होती या क्रम हो सकते हैं, क्रम का होती। क्लियर नहीं देख रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, यानी एम वाई एन क्रम या ऑर्डर का।
इसको बोलेंगे एन बाई एन, यानी कि इसको बोलेंगे एन ऑर्डर या क्रम का सार। दूसरी बात क्या होती है इसमें, सेकंड कंडीशन, इसको हम हमेशा अव्यूह को या तो बड़े कोष्टक से या छोटे कोष्टक से इसके अंदर अवयव रख के दिखाते हैं, क्या कहेंगे इनके अंदर अवयव रखे होंगे, और सार्ड को सीधी रेखाओं से, क्या होगा सीधी रेखाओं के बीच में अवयव रखे होंगे। थर्ड कंडीशन, इसमें अवयवों की संख्या एम एन टू एम, यानी कि एम एन होती, क्या होती है एम। इसमें अवयवों की संख्या संख्या एन स्क्वायर होती है, होती है एन स्क्वायर, यानी कि इसमें हमारे पंक्ति और स्तंभों की संख्या अलग अलग हो सकती है। इसको क्रम बोलते हैं, m by n order, क्या बोलेंगे इसको m by n order का आव्यूह, इसको बोलते हैं n order का, n क्रम का सारणी। इसमें पंक्ति और स्तंभ संख्या हमेशा समान रहेगी, क्या रहेगी हमेशा समान, इसमें अलग अलग हो सकती है बराबर भी हो सकती है, यानी कि यहाँ m बराबर n हो सकता है और m not equal to n हो सकता है, ठीक। लेकिन इसमें हमेशा क्या होगा समान होंगे, एम और एन जितनी पंक्तियां होंगी उतने ही स्तंभ होंगे, ये इसका मेन डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस, इसको हम बड़े कोष्टक से या छोटे कोष्टक में बंद कर दिखाते हैं, इसको हमेशा सीधी रेखाओं में दिखाते हैं। इसके अवयव की संख्या एन इंटू एन 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 स्क्वायर होता है, इसका अवयव की संख्या एम इंटू एन 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 होता है। अब हम आज हम पढ़ेंगे सारणी, क्या पढ़ेंगे आज हम सारणी, अगली क्लास में पढ़ेंगे हम अव्यूह, आज की क्लास में पढ़ते हैं सारणी, स्टार्ट करते हैं सारणी। तो स्टार्ट करते हैं हम सारणी, सारणी में सबसे इंपॉर्टेंट होती है थ्योरी, अगर थ्योरी आप समझ गए अच्छे से तो क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्वेश्चन आपको आगे कराने वाले, पहले हम स्टार्ट करते हैं थ्योरी। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सारणी का विकर्ण क्या होता है, विकर्ण सारणी तो आपने समझा था, सारणी को हम लंब रेखा दिखाते हैं और जैसे ए वन ए टू बी वन बी टू, ये इसके अवयव हैं। इसमें कितनी पंक्तियां हैं, पंक्ति कौन सी होती है जो हमारे छेद की होती है, कैसी होती है छेद की, ये होती है पंक्तियां, और जो हमारी लंब होती है लंब तो होती है स्तंभ, क्या होते हैं स्तंभ। तो इसमें एक और दो, दो क्या है दो स्तंभ है, यानी कि कॉलम, ठीक है, और एक और दो, दो क्या है पंक्तियां, दो पंक्ति, पंक्ति दो पंक्ति है और दो ही स्तंभ है। उसका क्रम क्या हो जाएगा, इसका क्रम हो जाएगा टू बाई टू, यानी कि दो ऑर्डर, क्या बोलेंगे इसको दो क्रम का, कौन सा है सारणी दो क्रम का, कौन सा है दो क्रम का सारणी। इसका विकर्ण कौन सा होगा, ये इसका मुख्य विकर्ण होता है, मुख्य विकर्ण के अवयव कौन से हैं पहले समझ लीजिए, सारणी में दो स्तंभ हैं इसमें और दो ही कॉलम हैं, जो हमारी क्षैतिज रेखाएं होती है, क्षैतिज होते हैं अवयव वो हमारे पंक्ति कहलाती है, और जो लंबवत होती है वो हमारी स्तंभ कहलाती है। तो दो ही पंक्ति है, दो ही स्तंभ है, तो मैं दो बाई दो, यानी कि दो बाई दो का हो गया, सारणी हमेशा सेम होंगे, जितनी पंक्तियां होंगी तो स्तंभ होंगे, ये क्लियर है पहले बात करें। तो इसको किसका बोलेंगे दो, यानी दो क्रम का, क्या है दो क्रम का सारणी है, किसका है दो क्रम का सारणी है, किसका है दो क्रम का सारणी, ये दो क्रम का सारणी है। इसका विकर्ण, इसका विकर्ण होता है
विकेट हुए इसके, कौन से हुए? दो विकेट, एक तो ये वाला विकेट होगा और एक ये वाला होगा, तो ये मुख्य विकेट है, कौन सा है? मुख्य विकेट। मुख्य विकेट अगर कौन कौन से हैं? ए वन बी टू जो इसके अंदर इस अवयव होते हैं, इनको हम आई जे से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं? आई जे। तो आपने समझा मुख्य विकट हमारे अवयव थे ए वन ए टू बी वन बी टू। हमने समझा मुख्य विकट, मुख्य विकट कौन सा हमारा? मुख्य अवयव है हमारे ए टू बी वन, यानी कि लेफ्ट हैंड के टॉप से राइट हैंड के डाउन तक ले आते हैं तो क्या होता है? मुख्य विकेट होता है। कुछ दूसरा विकेट होता है, ये होता है सेकेंडरी विकेट। कौन सा होता है? सेकेंडरी, यानी कि द्वितीय द्वितीय विकेट, ये होता है मुख्य विकेट। क्या होता है? मुख्य विकेट। ये मुख्य विकेट है, ये सेकेंडरी विकेट है। ए वन ए टू बी वन बी टू, ये हमारा सारिक है। हम इसको ए से निरूपित कर सकते हैं। किससे निरूपित करते हैं? ए से। हमारे ये अवयव होते हैं, इनको हम आई जे से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं? आई जे। ए आई जे बराबर ए वन, आई जे का मतलब हो गया, इसको निरूपित करते हैं किससे? ए आई जे से। आई जे का मतलब इस पहला विकल्प है, इसमें आई का मतलब होता है पंक्ति संख्या। आई क्या होगी? पंक्ति संख्या, छोटा हो गया, यानी कि ए आई जे ऐसे समझ लो, ठीक है। तो आई यहां पर क्या है? पंक्ति संख्या, पंक्ति संख्या। और जे यहां पे है स्तंभ संख्या, यानी कि ए आई जे, यानी कि ए वन है हमारा। तो ये क्या है? पहली पंक्ति में है और पहले स्तंभ में, तो इसको क्या बोलेंगे हम? ए वन वन। क्या बोलेंगे उसको? ए वन वन, यानी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। ये क्या होगा? पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ ए टू, ये हो जाएगा हमारा ए दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये हो जाएगा टू टू। यानी ये अवयव कौन सा है हमारा? ये है ए वन वन, यानी कि पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। ये क्या है हमारा? दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यानी ए वन टू। ये क्या है हमारा? ए टू वन, दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ। ये क्या है? ए टू टू, ये दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ए आई जे, क्योंकि जब हम विस्तार करेंगे तो आई जे क्या करता है? प्लस माइनस करता है। अभी मैं आपको इसका विस्तार करके दिखाता हूं। इसका विस्तार होता है, ए वन इनका आपस में जोड़ देंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे हम। इसकी वैल्यू होगी ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। जब विस्तार करेंगे, विस्तार नहीं है तो इसकी वैल्यू विस्तार करेंगे तब ए आई जी का काम आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपने अवयव समझ लिया, ए आई जी इसको क्या मतलब, अवयव को कैसे निरूपित करते हैं? इस अवयव को आई जी से निरूपित करते हैं। आई जी जिस पंक्ति में होगा वो संख्या, और जिस स्तंभ में होगा वो संख्या। पहले पंक्ति संख्या लिखते हैं, बाद में स्तंभ की संख्या लिखते हैं, उससे भी अवयव निरूपित होते हैं। अब हम आगे चलते हैं विस्तार, विस्तार कैसे करेंगे? सारे का विस्तार पढ़ाते हैं। आपने पढ़ा दो क्रम का सारे, ए वन बी वन ए टू बी टू, ठीक है। तो इसका विस्तार हमने किया, क्या होता है? मुख्य विकट होता है, इसका गुणा करते हैं और माइनस सेकेंड विकट, यानी बी वन, ये हो गया हमारा दो क्रम के सारिक का विस्तार। अब तीन क्रम का आ जाएगा तो ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, ए थ्री बी थ्री सी थ्री, ये इसके अवयव होंगे। क्या होंगे इसके अवयव? तो
ये होगा हमारा ए आई जे, यानी ए वन वन, आपको आगे बताता हूँ विस्तार। इसका मुख्य विकर्ण होगा, हमारा मुख्य विकर्ण के अवयव कौन कौन से हैं? मुख्य विकर्ण के अवयव है ए वन, बी टू और सी थ्री। ये हमारे मुख्य विकर्ण के अवयव है। क्या है ये मुख्य विकर्ण? क्या है मुख्य विकर्ण? ये मुख्य विकर्ण है। इसमें कितनी पंक्तियां हैं? तीन। कितने स्तंभ हैं? तीन, यानी एक दो तीन, तीन स्तंभ और एक दो तीन पंक्ति। तो किसका क्रम क्या हो जाएगा? थ्री बाई थ्री, यानी कि ये क्या है? तीन क्रम का है। क्या है? तीन क्रम का सारणिक। ये तीन क्रम का सारणिक है। और तीन क्रम का सारणिक का विस्तार कैसे करेंगे वो देखिए। तो हम किसी भी कॉलम से, किसी भी रो से स्टार्ट कर सकते हैं इसको। हम तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे पहली पंक्ति से। तो पहले सबसे पहले ए वन लेंगे, जो हम अवयव लेते हैं, जिस अवयव से खोलते हैं तो उसको छुपा लेते हैं, यानी वही पंक्ति ये छुप जाएगा, ये छुप जाएगा, यानी वो पंक्ति है। क्या बचेगा हमारे पास? इनका आपस क्रॉस गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? क्रॉस गुणा, यानी कि बी टू सी थ्री माइनस सी टू बी थ्री। इसके लिए था बी ए वन के लिए था, ये छुपा दिया। अब बी वन के लिए है तो क्या छुपा लेंगे? ये वाला कॉलम, ये वाली कॉलम। क्या बचेगा? ये छुपा दिया हमने और ये छुपा दिया। क्या बचा हमारे पास? ए टू ए थ्री, इनका क्रॉस गुणा करेंगे बीजगुणन वाला, तो ए टू सी थ्री, यानी ए टू सी थ्री माइनस ए थ्री सी सी टू, ए थ्री सी टू। अब सेकेंड सी वन के लिए लेंगे तो सी वन वाली रो और सी वन वाला कॉलम दोनों छुपा लेंगे, तो इस तरीके से छुप जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास? इनका क्रॉस गुणा करेंगे ए टू सी वन के लिए, ए टू बी थ्री माइनस बी टू ए थ्री। अब बात आती है प्लस आएगा या माइनस आएगा। हमारा ये क्या था? ए वन वन, ए वन है, ए वन है, तो आई जे के साथ देखेंगे तो कौन सा अवयव था? ये वन वन, कौन सा अवयव था? पहली पंक्ति पहला रो, दोनों जोड़ेंगे क्या आ रहा है? इवन नंबर आ रहा है। क्या आ रहा है? दोनों वन प्लस वन किया टू आया। कैसा ये सम संख्या है, जहां सम आता है आई जे को जोड़ते हैं। क्या करते हैं? आई प्लस जे करते हैं। अगर हमारा सम संख्या आती है, कैसे आती है? सम संख्या, तो प्लस लेते हैं। और आई जे का जो योग अगर विषम आता है तो क्या लेते हैं? माइनस लेते हैं। क्या लेते हैं? माइनस। यानी आई जे का योग प्लस आ रहा है, सम आ रहा है तो प्लस, और माइनस आ रहा है तो विषम आ रहा है तो माइनस। तो देखो ये वन वन था, प्लस लिया। अगला बी वन के लिए क्या है? ये पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो ए वन टू क्या हो जाएगा? वन प्लस टू थ्री हो गया। तो कैसे संख्या है? विषम। क्या लगेगा? माइनस। ये है सी वन, सी वन का मतलब हो गया पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। वन प्लस थ्री कितना हो जाएगा? फोर। फोर कैसी है? सम संख्या। क्या लगेगा? प्लस। ये इसका विस्तार हो गया। क्या हो गया इसका विस्तार? समझ में आया होगा। हम किसी से भी पहुंच सकते हैं, किसी भी रो से, किसी भी स्तंभ से पहुंच सकते हैं। जिसको लेते हैं वही छुपा लेते हैं। हमने ये पहली पंक्ति से बोला तो पहला अगर लिया हमने तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ दोनों छुपा लेंगे। उसका जो है बचते हैं उनका क्रॉस गुणा करके लिखते जाते हैं। ठीक है, चिन्ह हमने बता दिया। आई जो जोड़ के देखते हैं, प्लस आ रहा है आई आई जो जोड़ने पर सम आएगा तो प्लस, और आई जो जोड़ने पर माइनस आएगा तो वो विषम आएगा तो माइनस आएगा। ये रहा हमारा थ्री क्रम सारणिक का विस्तार। अब करते हैं उपसारणिक। उपसारणिक माइनस 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 स्पेलिंग चेक कर लेते हैं। एम आई एन ओ आर एस ए माइनस, ठीक, थोड़ी सी स्पेलिंग लगता है मेरा, दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं शार्ट उपसारणिक।
जैसे हमारे पास सारणिक था A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3। अब इसका उपसारणिक निकालना है, इसके कितने उपसारणिक होंगे, इसके उपसारणिक होंगे जितने इसके अवयव है उतने इसके उपसारणिक होंगे। हम हर अवयव के लिए एक अलग उपसारणिक होता है, जैसे A1 का उपसारणिक निकालेंगे हम, A1 का उपसारणिक जिस भी अवयव का उपसारणिक निकालना हो हमें उसके रो और कॉलम को छुपा लेते हैं, यानी पंक्ति और रो, यानी हम ए का निकालेंगे, इसे निकाल लें, ए वन निकाल लें, तो ये पंक्ति ये छुप जाएगी और ये कॉलम ये छुपा लेंगे, क्या करेंगे छुपा लेंगे, और जो अवयव बचेंगे यानी ये छुपा लिया ये छुपा लिया, जो कॉलम बचेंगे हमारे उनको हम सारणिक के रूप में लिख देंगे, सारणिक की तरह सेम, यानी B2, C2, B3, C2। ये क्या हो जाएगा A1 का उपसारणिक, इसको हम A1 से भी लिखते हैं, किसे लिखा सकते हैं A1, यानी A1 हो गया B2, C2, B3, C3। अगर B1 का सारणिक निकालेंगे हम, B1 का सारणिक इसको लिख सकते हैं हम B1, क्या लिख सकते हैं इसको B1 लिखेंगे हम, तो ये जो जिसमें B1 आ रहा है किसमें आ रहा है, पहली पंक्ति में और दूसरे स्तंभ में, तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छुप जाएगा, क्या बचेगा हमारा बचा A2, C2, A3 और C3। अब C1 का उपसारणिक C1 के लिए क्या होगा, C1 किसमें है, पहली पंक्ति और थर्ड स्तंभ, तो पहली पंक्ति छुपा लेंगे और तीसरे स्तंभ, क्या बचेगा A2 B2 A3 B3। इस तरह से हम हर अवयव के लिए अलग अलग उपसारणिक निकाल सकते हैं, यानी 9 अवयव है तो 9 ही इसके उपसारणिक हो गए। ठीक है, अब पढ़ते हैं सह संरचना। को फैक्टर सहगुणनखंड क्या है, सहगुणनखंड क्या होता है, किसी भी सारणिक जैसे अभी सारणिक A1 A2 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 इसका सहगुणनखंड निकालना होगा, फैक्टर करना होगा, क्या करेंगे -1 की पावर i प्लस j और उसी का उपसारणिक करेंगे इंटू उपसारणिक, यानी जैसे हमें A1 का उपसारण निकालना है, क्या निकालना है A1 के लिए कोफैक्टर निकालना है, किसके लिए A1 के लिए, तो क्या करेंगे A1 क्या है हमारा -1 की पावर i1 है j1 है 1+1 इनटू उपसारण क्या होगा, इसका उपसारण होगा B2 C2 B3 और C3। यानी हमारे उपसारणिक में कोई अंतर नहीं आता, सिर्फ हमें क्या देखना है इसका अंतर क्या होता है, सिर्फ -1 की पावर i+j, यानी अगर B2 को निकाल लेंगे हमारा तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ 2+2 रहेगा, इसके लिए यानी कि प्लस आएगा 1 - 1 का क्या है 2, माइनस का क्या 2 होगी B2 C2 B3 C3, यानी कि इसका मान क्या होगा 1, यानी बराबर रहेगा ये हमारा B2 C2 B3 C3, यानी -1 की पावर i इंटू j इंटू उपसारणिक
आईजे क्या होता है, आई का मतलब है पंक्ति संख्या और जे का मतलब है कॉलम संख्या, अवयव का। जैसे बी टू के लिए, बी वन के लिए होगा हमारा पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी आई का मान एक हो जाएगा और जे का मान दो हो जाएगा, तो माइनस वन की पावर थ्री यानी कि माइनस वन इंटू बी बी वन का उपसार है। किसका? बी वन का उपसार है। ये क्या होगा? इसका बी वन का कोफैक्टर होगा, यानी सेवन इंटू किसका? बी वन का। अब आगे चलते हैं, षाड़ के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। पहला गुण क्या होता है इसका? किसी पंक्ति के या स्तंभ के प्रत्येक अवयव शून्य हो, किसी भी पंक्ति मतलब षाड़ का, किसी भी पंक्ति का या स्तंभ का, इसको षाड़ के हमारे पास, अगर इसके मान लो सारे स्तंभ के सारे अवयव शून्य है, इस षाड़ के सारे स्तंभ किसी भी एक स्तंभ के अवयव शून्य हो, या किसी पंक्ति के, या किसी पंक्ति के यानी इसके स्तंभ के सब सारे अवयव शून्य, इसके पंक्ति के सारे अवयव शून्य, इन दोनों में क्या होगी? शून्य होगी। क्या किसी षाड़ की पंक्तियों का स्तंभों में या स्तंभों का पंक्तियों में अगर हम परिवर्तन कर देते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे वो षाड़ के हमारे पास एक दो तीन पाँच सात नौ दस ग्यारह चौदह, अगर इसकी पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में चेंज करते हैं, ये पंक्तियां हम इसको स्तंभ बनाते हैं, वन टू थ्री, इस पंक्ति को सेकंड स्तंभ, थर्ड को थर्ड स्तंभ, एंड क्या किया हमने? पंक्तियों का स्तंभों में परिवर्तन कर दिया हमने, यानी ये पंक्ति थी इसको स्तंभ बना दिया, स्तंभों को पंक्ति कर दिया, क्या होगा? इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें कैसी होगी? दोनों समान रहेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर थ्री, यदि किसी षाड़ के किन्हीं दो समान आशयों में आशयों का परस्पर विनिमय कर दिया जाए तो षाड़ का मान नहीं बदलता है, यानी कोई दो परस्पर पंक्ति हो हमारी, कैसी हो? दो परस्पर पंक्तियों को आपस में बदल दिया जाए। जैसे ये है हमारा, अगर इस पंक्ति को पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति में, तो दूसरी पंक्ति को पहली कर दिया जाए, या दूसरी को तीसरी जगह पर, तीसरी को दूसरी जगह आपस में बदल दिया जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे हमारी तीसरी सेम रहती है और पहली दूसरी को आपस में बदल देते हैं, यानी टू सेवन इलेवन वन फाइव टेन थ्री नाइन फोर्टीन, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, इनका मान कैसा रहेगा? समान, यानी आपस में सिर्फ पंक्तियों को आपस में चेंज किया है, लेकिन इनका क्या होगा? बस चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनका चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, प्लस से माइनस हो सकता है, माइनस से प्लस हो सकता है, ठीक है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये वैल्यू वही रहेगी, बस चिन्ह चेंज होगा प्लस माइनस का। कि नहीं दो पंक्तियों या स्तंभों का मान सब सम है तो उस मान का क्या होता है? शून्य होता है। कोई दो पंक्ति हमारी ए बी सी ए बी सी डी ई एफ, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? शून्य होगी। ये दोनों पंक्तियां होनी चाहिए एकदम समान होनी चाहिए, बराबर। जैसे कह सकते हैं एक दो तीन पाँच सात आठ, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू शून्य होगी, ठीक है। या दो स्तंभों का समान हो, चार पाँच छ, चार पाँच छ दस बारह चौदह, इसकी वैल्यू क्या होगी? शून्य होगी। यानी किसी भी अवयव के, किसी भी षाड़ के सब अवयव समान सम हो, यानी कि जो समान संख्या समान हो, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, अगर दो समान है हमारे, दो स्तंभ समान हो या दो पंक्ति समान हो, वैल्यू क्या होगी? शून्य होगी। नेक्स्ट, यदि किसी पंक्ति के एक स्तंभ, किसी पंक्ति के स्तंभ या अवयव सभी अवयव में, जैसे मान लो हमारे पास
ये साइड है 1 2 3 4 5 6 10 12 किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में अगर हम किसी समान संख्या से गुणा कर सकते हैं, मान लीजिए इसमें हमने समान संख्या से यानी मान ए से गुणा कर दिया तो साइड की वैल्यू में मान लीजिए ए साइड था तो क्या हो जाएगा, पूरे इसमें गुणा हो जाएगा, पूरे साइड में जो इसकी वैल्यू आ रही होगी उसके पूरे में ए से गुणा हो जाता है। या किसी भी पंक्ति में कर देते हैं, ऐसे इसमें कर देते हैं तो भी क्या होगा, इसके पूरे मान में ए से गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूरे मान में ए से गुणा हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के दूसरी पंक्तियों के अथवा स्तंभों के संगत अवयवों के अपवर्त जोड़ या घटा दिए जाए, यानी कि आपस में अगर हम किसी पंक्ति को जोड़ देते हैं और लिख देते हैं या घटा देते हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच, इसमें क्या करते हैं, ये आर वन है, ये आर टू है, ये आर थ्री, यानी रो वन रो टू रो थ्री, अगर हम आर वन की जगह पर हम आर टू प्लस आर थ्री लिख देते हैं, ठीक है, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, इन दोनों जोड़ के, इन दोनों जोड़ के यहां लिख देंगे हम, और बाकी के सेम रहते, तो कोई परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट गुण नंबर 7, यदि किसी पंक्ति या स्तंभ को प्रत्येक अवयव दो राशियों का योग हो तो सारणी को उस कोटि के दो सारणी के बराबर किया जाता है, क्या, जैसे ए प्लस बी, ऐसे कर लेते हैं इसको, जैसे अल्फा प्लस बीटा ए बी, अल्फा टू प्लस बीटा टू ए टू बी टू, अल्फा थ्री प्लस बीटा थ्री ए थ्री, ये हमारा सारणी है, तो हम इसको ले सकते हैं अल्फा वन ए वन बी वन, अल्फा टू ए टू बी टू, अल्फा थ्री ए थ्री बी थ्री, प्लस ये हम साफ कर रहे हैं, इसके जोड़ जोड़ ले लो थोड़ी जगह का है, ये प्लस साइकिल साथ में बताया हमारा बीटा वन ए वन बी वन, बीटा टू ए टू बी टू, बीटा थ्री ए थ्री, यानी कि किसी भी अगर ये यहां होता तो खोज सकते थे, मतलब अगर जुड़ा हुआ सेम, मतलब पूरा स्तंभ या पूरी पंक्ति दो चरणों से जुड़ी हुई है, जोड़ के मतलब बनी हुई है, तो उनको अलग अलग लिख के जोड़ सकते दोनों साइड में समान कोटि के रहेंगे, ये भी 3/3 कोटि का है, ये भी 3/3 कोटि का रहेगा, ये भी 3/3 कोटि का रहेगा, समान रहेंगे। नेक्स्ट है, यदि किसी साइड की पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों को किसी दूसरी पंक्ति अथवा के स्तंभों के संगत अवयवों में सहगुण से गुणा करके जोड़ा जाए तो योगफल क्या होता है, शून्य होता है। थर्ड नौ नंबर गुण है इसका, यदि किसी सारणी में चर निहित है तथा इस अवयव चर में बहुपद हो और x बराबर a रखने पर सारणी का मान शून्य हो जाता है तो x माइनस a उसका एक गुणनखंड होगा। तो ले सकता है, आज की क्लास यही समाप्त होती है और हमारा सारणी कंप्लीट हुआ आपका, सारणी कंप्लीट, अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको कराएंगे आप भी।
नेक्स्ट आपकी होगी मैट्रिक्स, ठीक है मैट्रिक्स कराएंगे। आपको क्लास समझ में आई होगी, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जुड़े रहिए SMS इंस्टीट्यूट के साथ। जय हिंद साथियों।